दोस्तों बॉलीवुड में एक ऐसा भी दौर आया जब म्यूजिक और गानों के चलते फिल्म सुपरहिट हो जाती थी। समारोह, पार्टीज, शादियों में हम उन गानों पर झूमने के साथ उनके बोल गुनगुनाया करते थे। ऐसी कई फिल्में हैं जिनकी रिलीज के बाद इनके म्यूजिक और फिल्म में काम कर चुके कलाकारों को प्रसिद्धि मिली, पर वक्त के साथ कलाकारों को भुला दिया गया। हिट फिल्म से करियर की शुरुआत करने के बावजूद ऐसे एक्टर्स गुमनामी में खो गए। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी ही अभिनेत्री की जिन्होंने एक सुपरहिट फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा। उनकी खूबसूरती और अभिनय की तारीफ भी हुई, पर उनका आगे का करियर चल नहीं पाया। हमारे इस वीडियो में बात हो रही है अभिनेत्री संदली सिन्हा की। अपनी पहली फिल्म से संदली रातों रात एक स्टार बन गई थी, पर उनकी यह कामयाबी लंबे वक्त तक टिक नहीं पाई। आखिरकार संदली ने फिल्मी गलियारे छोड़कर बिजनेस की ओर रुख कर लिया। तो आइए दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जानिए अभिनेत्री संदली सिन्हा की जिंदगी के बारे में। दर्शकों से गुजारिश है कि वो इस वीडियो को पूरा देखें और बने रहें हमारे साथ। अभिनेत्री संदली सिन्हा का जन्म 11 जनवरी 1973 को बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। इनका बचपन दिल्ली में बीता। आपको बता दें कि संदली ने बेहद कम उम्र में ही अपने पिता को खो दिया था। पिता के जाने के बाद उनकी मां ने ही उनकी और उनके भाई बहनों की परवरिश की। चूंकि संदली के पिता एयरफोर्स में थे, तो संदली की शुरुआती पढ़ाई एयरफोर्स बाल भारती स्कूल में हुई थी। संदली बचपन में एक डॉक्टर बनना चाहती थी, क्योंकि उनके परिवार के अधिकतर लोग या तो डॉक्टर थे या ऑफिसर, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। हुआ ये कि कॉलेज की पढ़ाई के वक्त ही उनको फैशन शोज में काम करने का मौका मिला, जिसके बाद उन्होंने मॉडलिंग की ओर अपना रुख किया। कॉमर्स में अपनी ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद संदली ने मुंबई जाने का सोचा। अपनी एक दोस्त के साथ संदली मुंबई रवाना हुई। मुंबई आकर बेहद कम वक्त में ही उनको कई मॉडलिंग असाइनमेंट्स मिलने लगे, लेकिन उन्हें सफलता सोनू निगम के साथ म्यूजिक वीडियो दीवाना में काम करके मिली। दोस्तों इस म्यूजिक वीडियो का निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया था। ये वीडियो संदली के लिए लकी साबित हुआ। इसमें काम करने के बाद ही अनुभव सिन्हा ने उन्हें फिल्म तुम बिन ऑफर की थी। फिल्म में संदली के किरदार का नाम पिया था। अपनी खूबसूरती और मासूमियत से संदली ने इस किरदार में जान डाल दी थी। इन्हें प्रियांशु चटर्जी, राकेश वशिष्ठ और हिमांशु मलिक के साथ कास्ट किया गया था। ये तीनों भी मॉडलिंग जगत में पहले से चर्चित थे। इस फिल्म के गानों से लेकर स्टोरीलाइन ने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बनाई थी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि तुम बिन एक म्यूजिकल हिट रही। जिस वक्त ये फिल्म रिलीज हुई, उस वक्त लगान, गदर जैसी फिल्में भी दर्शकों की वाहवाही लूट रही थी। ऐसी फिल्मों को टक्कर देकर दर्शकों का अटेंशन पाना तुम बिन की टीम के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। इस फिल्म में काम करते वक्त संदली का नाम फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा और उनके को एक्टर प्रियांशु चटर्जी के साथ भी जुड़ा था, क्योंकि फिल्म के डायरेक्टर से लेकर कास्ट सब कुछ नया था। पर इन सारी अफवाहों पर रोक तब लगा जब कुछ सालों में संदली ने अपने बॉयफ्रेंड से शादी कर ली। साल 2001 में आई फिल्म तुम बिन के बाद संदली को कोई बड़ा ऑफर हाथ नहीं लगा। बात इनकी फिल्मों की करें तो तुम बिन के अलावा पिंजर, ओम, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, ओरे पांडू, मैं रानी और जॉनी जैसी फिल्में की। फिल्मों में आने से पहले साल 1999 में उन्होंने दो टीवी शोज में भी काम किया था, जिनका नाम मुस्कान और तन्हा है। मुस्कान का प्रसारण जी टीवी के चैनल पर होता था, जबकि तन्हा स्टार प्लस पर आता था। हिंदी फिल्मों में करियर न चलने पर संदली ने साउथ की फिल्मों का रुख किया, पर यहाँ भी संदली की किस्मत ने साथ नहीं दिया। जब फिल्मों में कुछ खास करने को नहीं रह गया तो उन्होंने अपना घर बसाने का सोचा। साल 2005 में उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड किरण सालस्कर से शादी कर ली। आपको बता दें कि शादी के बाद संदली ने कोई नया प्रोजेक्ट साइन नहीं किया। उन्होंने अपने पति के रेस्टोरेंट बिजनेस में ही हाथ बटाना जरूरी समझा। शादी के बाद संदली और किरण के दो बेटे भी हुए। बात संदली के प्रारंभिक पारिवारिक जीवन की करें तो इनके पिता एक एयरफोर्स ऑफिसर थे, जिनकी ऑन ड्यूटी ही एक हादसे में मौत हो गई थी। बता दें कि संदली के माता पिता से संबंधित जानकारियां और तस्वीरें इंटरनेट पर उपलब्ध नहीं है। संदली के दो भाई बहन भी हैं, पर उनसे जुड़ी जानकारी और तस्वीरें भी पब्लिक डोमेन में उपलब्ध नहीं है। अगर संदली की मौजूदा जिंदगी का जिक्र करें तो वो अपने पति और बच्चों के साथ मुंबई में ही रहती हैं। पति और बच्चों का ख्याल रखने के अलावा संदली अपनी खुद की बेकरी भी चलाती हैं। संदली भारत की सबसे बड़ी बेकरी कंपनी कंट्री ऑफ ऑरिजिन की मालकिन है।
अभिनेत्री से एक बिजनेस वुमन बन चुकी संदली आज करोड़ों का बिजनेस देखती हैं। भले ही उनकी किस्मत बॉलीवुड के गलियारे में नहीं चमकी, पर शादी के बाद संदली ने अपने पति का बिजनेस संभालने और बढ़ाने में काफी मेहनत की और इसमें इन्हें अच्छी खासी सक्सेस भी मिली। तो दोस्तों, ये थी फिल्म तुम बिन की अभिनेत्री संदली सिन्हा के जीवन से जुड़ी जानकारियां। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जाते जाते हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप किस सेलेब से जुड़ी बायोग्राफी आने वाले वीडियोस में देखना पसंद करेंगे। दोस्तों, ऐसी और भी जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।